पिछली वीडियो में मैंने जयपुर शहर के बारे में तथा जयपुर कैसे पहुंचा जाए, बिरला मंदिर तथा हवा महल के बारे में बात की थी। के बाद मैं जंतर मंत्र पहुंचा। जंतर मंत्र को राजा स्वाई जय सिंह द्वितीय ने बनाया था। यह एक धूप घड़ी है। पुराने समय में इन जंतरों से सूरज की रोशनी द्वारा ग्रह राशि तथा समय का पता लगाया जा सकता है। यह स्थान देखने के लिए आप गाइड जरूर हायर करें, तभी आपको इन जंतरों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ का एंट्री टिकट 50 रुपये है। यह स्थान सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक खुलता है और गाइड आपको लगभग 200 रुपये में मिल जाएगा। जंतर मंत्र देखने के बाद मैं जयपुर म्यूजियम गया, जिसे अल्बर्ट हॉल म्यूजियम भी कहते हैं। इस संग्रहालय में कई पुराने चित्र, दरियां, हाथी दांत, कीमती पत्थर, धातु मूर्तियां और कई वस्तुएं देखने को मिलती हैं। जहाँ का एंट्री टिकट 50 रुपये है और खुलने का समय सुबह 9 से लेकर 5 बजे और शाम 7 से लेकर 10 बजे तक है। रात को ये म्यूजियम और भी आकर्षक लगता है। इसके बाद मैं अमेर फोर्ट के लिए निकल गया। रास्ते में जलमहल पड़ता है, जहाँ जाना मना है। आप इसे दूर से ही देख सकते हैं। यह महल 5 मंजिल है, लेकिन ऊपर से सिर्फ 1 मंजिल दिखती है, क्योंकि 4 मंजिलें पानी के अंदर है। तपते रेगिस्तान में इस महल में गर्मी नहीं लगती, क्योंकि 4 मंजिलें पानी के बीच हैं। इस महल से पहाड़ और झील का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। चांदनी रात में झील का पानी इस महल के नज़ारे को बेहद आकर्षित बनाता है। लगभग 11 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद मैं अमेर फोर्ट पहुंचा। यह किला पहाड़ी पर बना हुआ है। किले में जाने के 2 रास्ते हैं। अगर आप चलने में समर्थ हैं तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप फोटोग्राफी करते हुए पैदल जाएं, मात्र 10 मिनट का रास्ता है। अगर आप जीप से जाना चाहते हैं तो आपको आने और जाने के 80 रुपये देने होंगे, जो कि आपको सीधा किले में पहुँचा देगा। किला देखने के लिए आपके पास लगभग 2 घंटे का समय चाहिए। मैं शाम को 4 बजे पहुंचा और 5 बजे किला बंद हो जाता है, इसलिए मैं अंदर नहीं गया। मैं एक दफ़ा पहले भी यहां पर आ चुका हूं। यहां पर आप दीवाने आम, शाही स्नान घर, मुगल गार्डन, शीश महल और दीवाने खास और एक सुरंग जो जयगढ़ और अमेर फोर्ट को आपस में जोड़ती है देखी जा सकती है। मेरी जयपुर की यात्रा यूं ही जारी रहेगी। इसके लिए मेरा अगला एपिसोड देखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल बटन दबाएं, जिससे आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।